अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। आई एम सुमित शाह। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो शाह वलीउल्लाह का टॉपिक है। ये अभी रिसेंटली 2021 के सीएसएस के पेपर्स में इसका एक क्वेश्चन आया है, तो आई थॉट कि आपको पढ़ा दिया जाए। पाक अफेयर्स के लिए भी काफ़ी अहम ये शख्सियत हैं, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनकी लाइफ, इनकी सर्विसेज, इनकी मूवमेंट, उसके इफेक्ट्स, इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, ये सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं इनकी लाइफ से। दिल्ली में पैदा हुए थे 21 फरवरी 1707 में। इनकी फैमिली एक सूफी फैमिली थी, काफ़ी ज़्यादा इस्लाम का वहाँ समझ लें कि प्रेवलेंट था कल्चर। इनके अब्बा जो थे वो हज़रत उमर के लीनियत से मिलते हैं जाके, और इनकी अम्मा का लीनियत जो था वो हज़रत अली से जाके मिलता है। इनके फादर का नाम था अब्दुलरहीम, और इन्होंने मदरसा रहीमिया की बुनियाद रखी थी। वो ऐसा इंस्टीट्यूट था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था, जहाँ शरीयत पढ़ाई जाती थी और तरीक़त के भी नंबर होते थे। मतलब आप कुछ अगर पढ़ रहे हो ना इस्लाम के हवाले से कि नमाज ऐसे पढ़ते हैं या कुरान ऐसे पढ़ते हैं, तो आप उसको अपनी लाइफ में कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो इस चीज़ के ज़्यादा मार्क्स होते थे। और अगर आप नहीं इम्प्लीमेंट करें तो आपको नेगेटिव मार्किंग होती थी, तो इस चीज़ पर इन्होंने बहुत फोकस किया। ये जो है ना, इनका नाम शाह वलीउल्लाह को हम हमेशा सुनते हैं, इनका असल नाम था कुतुबुद्दीन अहमद। ये छोटे ही थे, 7 साल की उम्र में इन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। मदरसा रहीमिया में एडमिशन हो गया इनका 17 साल की उम्र में। वहाँ से इन्होंने हदीस, फिका, मतलब जो भी वहाँ पढ़ाया जाता था उस सबको सीख लिया, और फिर वहाँ टीचर बन गए, पढ़ाना शुरू कर दिया। 1730 में ये हिजाज मुकद्दस चले गए, और वहाँ से इन्होंने मतलब हज किया वहाँ पर उन्होंने, और वहाँ ये 2 साल तक रहे हैं। कुछ हमें सोर्सेज में 31 भी मिलते हैं, 1731 में हिजाज गए थे, कुछ सोर्सेज में 30 भी मिलता है, कुछ सोर्सेज में ड्यूरेशन का स्टे 14 मंथ्स है और कहीं 2 साल है। मदीने में ये रहे हैं, और वहाँ उन्होंने शेख अबू ताहिर बिन इब्राहिम से हदीस सीखी है और सर्टिफाइड स्कॉलर हो गए हदीस के। 32 में ये वापस आए, और इन्होंने अपनी मूवमेंट स्टार्ट की यहाँ जो मौजूद कंडीशन थी उसके हिसाब से, और इन्होंने इसके हवाले से काफ़ी सारी किताबें लिखी, अराउंड अबाउट 50 बुक्स इन्होंने लिखी हैं। 20 अगस्त 1762 को इनकी डेथ हो गई है, तो दिल्ली में डेथ हुई थी। सिचुएशन क्या थी उनके टाइम पे, देखिए औरंगजेब आलमगीर जो है ना, वो 1707 में उनकी डेथ हो गई। वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर थे, बट उनके बाद ना कोई ऐसा कॉम्पिटेंट रूलर आया ही नहीं। फिर 2 भाई थे, हाशिम और अब्दुल्ला खान, हाशिम खान अब्दुल्ला खान, उन्होंने 10 साल के अंदर अंदर 1710 से लेकर 1720 तक 10 साल के अंदर अंदर 5 रूलर्स को इंस्टॉल किया, डिपोज किया, कत्ल किया, ख़त्म किया। तो उससे क्या है कि कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनी नहीं सकी सेंटर में। इनकम्पिटेंट रूलर्स थे तो वो क्या कह लें कि प्रॉपरली रूल नहीं कर सके, जिसकी वजह से आवाम बहुत ज़्यादा ख्याओस का शिकार होगी। उसी वजह से इकोनॉमिक कंडीशंस भी क्योटिक होगी, और हैवी टैक्सेशन लगा लोगों पे, पॉवर्टी प्रिवेल होगी, और पॉवर्टी जब प्रिवेल हो जाती है तो क्राइम बहुत बढ़ जाता है। रूलर्स बहुत वीक थे, और नोबल्स हर वक्त अपने इन्फ्लुएंस के लिए फाइट कर रहे थे। एक साइड पे क्या था, सिख जो है ना वो ताकत पकड़ रहे थे, सिख और जाट, और पंजाब को लूट रहे थे, पंजाब में आके लूटामारी करते थे, वो मिसले और जत्थे बन गए थे उनके। ठीक है, 12 खानदान थे मिसलों के, जिनमें से रंजीत सिंह भी एक खानदान में से आया। अच्छा, दूसरी साइड पे मराठास थे, जिनके साथ औरंगजेब लड़ रहे थे, लेकिन उनको प्रॉपरली शिकस्त नहीं दे सकी थी और उनकी डेथ हो गई थी। मराठास जो है ना, अब वो अपने गवर्नमेंट को बढ़ाना चाह रहे थे, मतलब अपने सल्तनत को बढ़ाना चाह रहे थे, तो मुस्लिम एरियाज में भी इंटरफेयर कर रहे थे, और मुस्लिम गवर्नमेंट को उनसे खतरा था क्योंकि वो पावरफुल थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक साइड पे जो है ना होराइजन ऑफ इंडिया पे नज़र आना शुरू हो गई, और उन्होंने क्या हुआ कि अपने पैर जमाने शुरू कर दिए इंडिया में। इसी तरह क्या हुआ कि इसी दौरान में 1739 में ईरानियन रूलर थे नादिर शाह, ठीक है, वो आए और उन्होंने दिल्ली पे 17 अटैक्स किए थे, ठीक है, दिल्ली पे 17 हमले किए थे, उसको लूटा, बर्बाद कर दिया इनकी। अब जब बर्बाद हो गई तो लोगों पे हैवी टैक्सेशन तो लगेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को तो अपने खर्चे पूरे करने हैं, इस वजह से और ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई। मुसलमान तो आपस में ही लड़े चले जा रहे थे, शिया सुन्नी के तसादुम में फंसे हुए थे कि ये बेहतर, ये अफसर, हाथ यहाँ बांधना बेहतर, हाथ यहाँ बांधना बेहतर, दाढ़ी इतनी रखना बेहतर, दाढ़ी इतनी रखना बेहतर, हज़रत अली अफजल की, हज़रत अबू बकर अफजल, तो इस तरह के फसाद में पड़े हुए थे और आपस में लड़े जा रहे थे। उन्हें खतरे का एहसास ही नहीं हो रहा था,
कि हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। तो शाह वलीउल्लाह वो बंदे थे जिन्होंने आके मुसलमानों को बताया कि भाई आंखें खोलो, देखो तुम कितने बड़े खतरे में मौजूद हो। ठीक है, फिर इसके अलावा जब क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो इतनी पावरफुल नहीं थी, तो अफगान जो रूलर्स थे और सूबेदार थे जो मुगल एम्पायर के अंडर थे, उन्होंने भी अपनी रियासतों को आज़ाद करने के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। तो ये सारी कंडीशन थी। अब शाह वलीउल्लाह ने इस दौरान अपनी क्या सर्विसेज दी, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे अपनी सर्विसेज दी हैं, सोशल लेवल पे सर्विस, रिलीजियस, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लेवल पे सर्विसेज दी हैं। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और बहुत सारे लेटर्स लिखे थे डिफरेंट डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स को। ठीक है, तो और उसमें उन्होंने एक तो क्या किया कि सिचुएशन को प्रॉपरली डिटेल में स्टडी किया और उसके हवाले से उन्होंने सोल्यूशन दिया। तो उनकी सोशल सर्विसेज क्या थी, सोशल इवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एक तो ना मुसलमान और हिंदूज आपस में ना जम हो रहे थे। ठीक है, इस चीज़ को उन्होंने ख़त्म किया, बिद्दत की कंसेप्ट को ख़त्म किया, मुसलमानों को कहा कि भाई यूनाइटेड नेशनहुड नहीं है सबके कॉन्टिनेंट में, आप अलहदा हो, हिंदू अलहदा हैं, उनका अपना कल्चर, अपने हीरोज, अपनी बुक्स हैं, आपका अपना कल्चर, अपने हीरोज, अपनी बुक्स, अपना मजहब है। ठीक है, तो आप उसमें जम नहीं हो सकते। हाँ, मुसलमान मुसलमान के अगेंस्ट मतलब साथ आ सकता है, उसको एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यूनाइटेड मुस्लिम नेशन होने चाहिए। तो उन्होंने ये बताया कि कुफार और इस्लाम में बहुत फ़र्क है। ठीक है, जिसने टू नेशन थ्योरी समझ लें उसको एक जिला दी। फिर उनकी बहुत सारी जो मुसलमानों की प्रैक्टिस थी ना उस टाइम पर, एंटी इस्लाम, एंटी रिलीजन, तो उन चीज़ों को भी ख़त्म किया, उनके बिलीव्स को, उनकी प्रैक्टिसेस को। उन्हें बताया कि ट्रू एसेंस क्या है इस्लाम का, उसको समझो, कुरान क्या कहता है उसको समझो। उन्होंने मुसलमानों की एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम किया और उनको एजुकेट किया इस्लामिक नॉर्म्स के ऊपर, जो रियल नॉर्म्स थी, जो वो सीख कर आए थे या जो उन्होंने मदरसा रहीमिया में सीखी थी, वो आम मुसलमान तक भी बातें पहुँचानी शुरू की। उन्होंने बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनाए थे इंडिया में ताकि मुसलमानों की एजुकेशन का काम हो सके। फिर उन्होंने कहा कि जैसे आपको पता है कि जुल्म का निज़ाम नहीं रह सकता, कुफर का निज़ाम रह सकता है, तो उन्होंने अदल का निज़ाम कायम करने की कोशिश की कि मुसलमानों में अदल प्रमोट हो, ब्रदरहुड प्रमोट हो। ठीक है, और उन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया कि मुसलमान जो है ना वेस्टफुल स्पेंडिंग ना करें और एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है ना उसको रखें अपने साथ। फिर उनकी रिलीजियस सर्विसेज क्या है, रिलीजियस सर्विसेज में ना उन्होंने सबसे पहले क्या हुआ था, मुसलमानों के मसले ही सारे ये थे कि वो कुरान पाक सही से पढ़ नहीं रहते, मुल्ला और मौलवी जो ट्रांसलेशन करके उन्हें बता देते थे ना वो वही करते थे। ये वही ऐसा ही टाइम समझते जब यूरोप अपनी डार्क एजेस में था ना, तो उनके प्रीस्ट उनको जो बताते थे वो वही करते थे, क्योंकि उनकी जो बुक थी वो इब्रानी जबान में थी और वो लोग पढ़ना नहीं जानते थे इसको। तो फिर क्या हुआ है कि रेनेसांस का टाइम आया कि जी बाइबल को इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए जो हर कोई समझे। तो ये भी एक तरह से शाह वलीउल्लाह जो है ना मुसलमानों के रेनेसांस के टाइम के फिलोसोफर समझने, या उन्होंने वो सर्विसेज दी हैं जो मुसलमानों को डार्क एजेस से निकाल के लाइट में ले हैं। तो उन्होंने कुरान पाक को फर्स्ट टाइम पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है और इसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा बैकलैश देखने को मिला है लोगों की तरफ से, आम आवाम की तरफ से भी, कि ये क्या है, ये तो बेहुरमती होगी, इस तरह नहीं होना चाहिए वो। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक आप समझेंगे नहीं आपका रब आपको क्या कह रहा है, आपकी किताब आपसे क्या बातें कर रही है, तो आप उसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे। व्हाई दीज मौलवीज एंड मुल्लाज हैव टू टेल यू कि ये करें ये ना करें। ठीक है, आप खुद से समझें, आप खुद से अपनी किताब को पढ़ें, क्योंकि ये नॉलेज है तमाम जहान के लिए। देन उन्होंने एक एक्सप्लेनेटिव बुक लिखी मौता के ऊपर। ठीक है, मतलब मौता जो है ना इमाम मालिक की हदीसों की बुक है, आप समझ लें कि पहली जो अथेंटिक हदीस की बुक थी ना वो मौता थी, इमाम बुखारी की बुक बाद में आई है, से बुखारी। इन्होंने मौता की तशरीह की थी पर्शियन और अरबिक लैंग्वेज में ताकि ये भी समझी जा सके। अब आप कहेंगे पर्शियन लैंग्वेज क्यों, तो पर्शियन लैंग्वेज उस टाइम पे लैंग्वेज प्रेवलेंट लैंग्वेज पर्शियन ही थी। ठीक है, और जो जैसे हमारी उर्दू जबान है तो उस टाइम पे उनकी पर्शियन लैंग्वेज थी। अच्छा, उनको लगता था कि मुसलमानों को कुरान पाक को समझना चाहिए, उसको सीखना चाहिए प्रॉपरली, उसकी ट्रांसलेशन लर्न करनी चाहिए। ये बुक सिर्फ मौलवियों के लिए नहीं है, ये तमाम लोगों के लिए है। उनकी सोशल सर्विसेज जो है ना वो ये ट्राई करी थी कि शिया सुन्नी का जो सेक्टेरियन गैप है वो कम कर दें किसी तरह। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जिनमें हम पढ़ेंगे अखवा व सफ़ा है गेस, और
खीफतुल खुलफा है, तो ये किताब इन्होंने लिखी। इन्होंने एक तत्बीक का मॉडल प्रेजेंट किया। अब तत्बीक का मॉडल क्या है और थोड़ी सी हिस्ट्री इसके बारे में सुन रहे हैं। सूफीज़म जो है ना, उस टाइम पे बड़ा सूफीज़म का ना काम ख़राब हुआ था। लोगों ने ना अपने हवाले से ना सूफीज़म की खुद से कोई तशरीह करके ना उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। इस्लाम में क्या है, आप जो सीख रहे हो ना, ज़रा सा भी सीख रहे हो, उसको हैविली इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में। बट सूफीज़म में क्या है, आपने सीखा कुछ भी नहीं। मतलब उस टाइम पे जो सूफीज़म चल रहा था ना आम आवाम में, वो ये था आप सीख कुछ भी नहीं रहे, बस आप प्रैक्टिस करें, जो आपका दिल करा वो कर ही जा रहे हैं। आपने अभी भी बहुत सारे ऐसे मलंग देखे होंगे जो नहाते नहीं है, चर्स गांजा और सिगरेट वगैरह पी रहे हैं और गंदे कपड़े हुए हो। इसका इस्लाम से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। इस्लाम कहते हैं सफाई नस्फ ईमान है। जब आपका आधा ईमान ही नहीं है तो आप मुसलमान ही नहीं है, ठीक है। वो कहते थे तत्बीक का मॉडल अब ये है कि आपने पहले शरीयत को पढ़ना है, और शरीयत को पढ़ के आपने वो किताबें संदूकों में रख नहीं देनी, उनको खुद पे इम्प्लीमेंट करना है, अपने आप को उसके हिसाब से मतलब बनाना है, ठीक है। तो फिर तरीकत आएगी, पहले शरीयत फिर तरीकत, ठीक है। ना तरीकत शरीयत के बगैर कुछ है, ना ही शरीयत तरीकत के बगैर कुछ है। मतलब कुछ ऐसे लोग जो बस सीख लेते हैं इम्प्लीमेंट नहीं करते, वो भी ज़ीरो, और जो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ प्रैक्टिस करे सीखा उन्होंने कुछ भी नहीं, वो भी ज़ीरो, ठीक है। तो इसके वाले से जो है हमारे बुल्ले शाह उनका भी शेर है कि जो है आप अमल के बगैर जो है ना नहीं कुछ हो सकता, ठीक है। अब ये क्या है, कहते कि ना जो सूफीज़म, मैंने आपको बताया प्रेवलेंट था उस टाइम पे, वो कहते कि ना सूफीज़म की कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस थी जो एंटी इस्लाम थी, इस्लाम की नॉलेज के अगेंस्ट थी, इस्लामिक बिलीफ के अगेंस्ट थी। तो उन्होंने उन सबको कंडेम किया, उन सबको रद्द किया, उनका रद्द पेश किया। खुद भी सूफी थे, और इबन अरबी जो सूफीज़म के समझ ले एक फाउंडर हैं, उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट थी। लेकिन इबन अरबी जो चीज़ सोच सकते थे ना, वो आम इंसान नहीं सोच सकता। तो उस वजह से ना आम लोगों में समझ लें कि एक डेविएशन पैदा हो रही थी इस्लाम के अगेंस्ट, इस्लाम से डेविएशन पैदा हो रही थी, जिसको अगर वो रद्द ना करते शाह वलीउल्लाह रिस्पेक्टफुली, तो फिर इस्लाम नहीं मौजूद रहता, वो पता नहीं क्या हो जाता। तो इसलिए उन्होंने रद्द पेश किया, उसके उसके अगेंस्ट काउंटर रिमार्क्स पेश किए कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया मुसलमानों को कि आप रियल जिस्ट ऑफ इस्लाम फॉलो करें, इस्लाम आपसे क्या डिमांड करे, क्या कह रहा है, नॉट के बस पढ़ी पढ़ाई बातें, लिखी लिखाई बातें वो सुन ली और वो हार्ड कोर वही चीज़ आप फॉलो करना शुरू कर दी, नो, ठीक है। तो ये बात है, मुसलमान जो है ना कुरान सीखें, कुरान पढ़ें, कुरान के ऊपर मुत्तहिद हो जाएं। शिया सुन्नी में कुरान तो चलो एक है ना, आप उसको तो पढ़ सकते हैं ना, आप उस पर मुत्तहिद हो जाएं, आप लड़ें नहीं चीज़ों के ऊपर। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि ना उस टाइम पर तकलीद बहुत ज़्यादा हो रही थी, लोग तकलीद कर रहे थे, तकलीद करते थे टू फॉलो समवन। वो कहते तकलीद नहीं करें, इज्तिहाद करें, बी अ मुज्तहिद, ठीक है। क्योंकि इज्तिहाद करने से इस्लाम जो है ना वो एक मॉडर्न मजहब रहता है, जो चेंजिंग टाइम की नीड्स है ना वो पूरी होती रहती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, इसको प्रैक्टिस होना चाहिए। इन्होंने इस्लामिक लॉज और जूरिस प्रूडेंस के ऊपर भी काम किया। इकोनॉमिक सर्विसेज क्या है इनकी, उन्होंने जो इकोनॉमिक सिस्टम था ना इस्लाम का, उसकी प्रेमिसेस किया कि इसको लागू करें। मैंने आपको बताया कि हैवी टैक्सेशन थी लोगों के ऊपर उस टाइम पे, तो ये उसको कंडेम कर रहे थे कि आप लोगों के ऊपर इतनी ज़्यादा टैक्सेशन क्यों रख रहे हो जो वो पे नहीं कर सकते। सिंपली आप ज़कात का एक सिस्टम लॉन्च करो, इसमें जिस बंदे की जितनी इस्तेदात है वो उतनी दे देगा ज़कात। और फिर आप उससे क्या करें कि कुछ जो छोटी मोटी फैमिलीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनको आप एक बिज़नेस करा दें ताकि वो सब खुद कफील हो जाए, जिसकी वजह से सोसाइटी जो है ना वो ओवरऑल बढ़ना शुरू हो जाएगी। रिबा को ख़त्म करें, क्योंकि रिबा से क्या होता है, अमीर अमीर से अमीर तर और गरीब गरीब से गरीब तर होता जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ होती है। और वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे, टोटली कंडेम करते थे। कहते थे तवाज़ुन और अदल का सिस्टम मौजूद होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी वेल्थ की लोगों में, क्योंकि इट्स लाइक अ ब्लड इन द सोसाइटी। जब ब्लड एक जगह पर हो जाएगा तो वो जगह भी सुन्न हो जाएगी, उसके लिए भी नुकसानदेह, बाकी बॉडी के लिए भी नुकसानदेह। तो इसलिए ज़कात का सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट था। वो पब्लिक प्रॉपर्टी को भी इम्पॉर्टेंट समझते थे और प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी इम्पॉर्टेंट समझते थे, बट देयर वर मेनी पीपल जो कि सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने के चक्रों में थे एट द एक्सपेंस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी।
और वो मुगल कोर्ट में मौजूद थे, तो उन्होंने इस चीज को कंडेम किया। उन्होंने कहा इट्स नॉट गुड टू हैव प्राइवेट प्रॉपर्टी एट द एक्सपेंस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है। और वो ये कहते थे इकोनॉमिक करप्शन जो है ना, ये बहुत बड़ा प्लेग है सोसाइटी के लिए। जब इकोनॉमिक करप्शन होती है तो पॉवर्टी आती है, पॉवर्टी आती है तो ऑब्वियसली क्राइम आता है। जिसके बच्चे मर रहे हैं तो वो तो फिर डाका ही डालेगा ना, मजबूर हो जाएगा इंसान बेचारा, क्या करे। तो इसलिए पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए किसी भी जगह पे, उससे बहुत मसले क्रिएट होते हैं। अच्छा, इसके अलावा वो ये भी कहते थे कि जी जो एक इलाका है ना, उस वहाँ के लोग जो टैक्सेशन दे रहे हैं, रिसोर्सेज हैं, उस इलाके के अपने लोगों के लिए, वो किसी और इलाके पे नहीं खर्च होने चाहिए। फाइन, ये इनकी इकोनॉमिक सर्विसेज थे। नेक्स्ट, पॉलिटिकल सर्विसेज। पॉलिटिकल सर्विसेज हालांकि हम देख रहे हैं कि बहुत छोटा सा मैंने मतलब लिखा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी यही थी, हेरिडिटरी सक्सेशन के अगेंस्ट थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरस है तो मेरिट बेसिस पे सक्सेशन होने चाहिए। उन्होंने एनालाइज किया सोसाइटी को क्रिटिकली और बताया कि जो वीक सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो असल मसला है। जो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, वो सही तमाम मसाइल की हल के लिए ज़रूरी है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक तरफ से स्ट्रॉन्ग हो रहे, एक तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरफ से ईरानियन रूलर आ रहे, एक तरफ से मराठास हैं, तो सब अटैक करें क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट वीक है। अगर ये स्ट्रॉन्ग होती तो किसी की हिम्मत ना होती कि आंख उठा के देखें। तो इन्होंने इसके लिए सोल्यूशन ये बताया कि जी जिहाद करें। और बहुत सारे रूलर्स को उन्होंने लेटर्स लिखे, उन्होंने मतलब प्रोवोक किया कि आप प्लीज जिहाद करें। तो उनकी जो राइटिंग्स हैं वो ऑलमोस्ट 50 बुक्स हैं। हुज्जतुल बालिगा इन्होंने लिखी इज्तिहाद के लिए और ये बताने के लिए कि अल्लाह ताला मौजूद है। अज़ालात अख़फ़ा, ठीक है, अज़ालात अख़फ़ा में इन्होंने बताया कि शिया सुन्नी की डिवाइड को कैसे नैरो करना, कहाँ से ये डिवाइड क्रिएट हुआ, असल में क्या वजह थी, ठीक है। देन हिफातुल खुलफा, इस बुक में इन्होंने बताया कि मतलब उन्होंने वो सारे रिमार्क्स दिए कि किस तरह हज़रत अबू बकर और हज़रत अली ग्रेटर इन सॉरी हज़रत अबू बकर हज़रत उमर ग्रेटर इन फजीला है एज़ कम्पेयर टू हज़रत अली। और इसमें बहुत सारी हदीसें भी इन्होंने कोट की हैं जिसमें पता लगता है कि हज़रत अबू बकर ही असल में वो जो हज़रत वसल्लम की सारी रियासत थी उसके वारिस थे। देन इंसाफी बयान सबब इख्तलाफ इस्लामिक जुरिसप्रूडेंस के ऊपर लिखी है। फिर इन्होंने एक और किताब लिखी है कुरतुल ऐनैन फी ताज़ील शायखैन, ठीक है। और भी बहुत सारी किताबें हैं लेकिन यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं की। इन्होंने लेटर्स किसको लिखे हैं, इन्होंने निज़ामुल मुल्क को लेटर लिखा था, निज़ाउल मुल्क हो गया, यहाँ पे निज़ाम आना था, ठीक है। इन्होंने लेटर नजीबुद्दौला को लिखा था, ठीक है, कि मराठास को इनकाउंटर करें, लेकिन नजीबुद्दौला ने एक पॉलिटिकल मूव खेला और मराठास के साथ अलायंस कर ली, लेकिन ये अलायंस फेल हो गई थी। 1756 में मराठास और जो जाट्स हैं उन्होंने क्या किया कि इन्वेड कर दिया नजीबुद्दौला को और अपनी मर्जी की शरायत पे जो है ना पीस ट्रीटी साइन करवाई। फिर उसके बाद क्या है, लेटर इन्होंने अफगानी रूलर अहमद शाह अब्दाली, क्योंकि अफगानिस्तान उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, तो उन्हें लगा कि मराठास को फाइट करने के लिए ये बहुत अहम हो सकता है, तो उनको इन्होंने लेटर्स लिखे। उन्हें बताया कि मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब है, अगर आप नहीं आए तो यहाँ पर अब एक हिंदू देश बन जाएगा, ठीक है, जो अभी हिंदू रियासत बनाने की कोशिश में है ना बीजेपी, तो वो बन जाएगा, तो आप आ जाए प्लीज़ आ जाए, वरना यहाँ कोई मुसलमान नहीं रहेगा। तो अहमद शाह अब्दाली आए और उन्होंने मराठास के साथ लड़ाई की। वो लड़ाई 1761 में हुई थी एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। और वो जो हिंदू राष्ट्र का समझने के ख्वाब था हिंदुओं का, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इस टाइम पे जो लड़े थे वो अहमद शाह अब्दाली, शुजाउद्दौला और नजीबुद्दौला एक साइड पे थे इनके ट्रूप्स, और एक साइड पे मराठास थे, और उनको शिकस्त हुई थी। अब इसकी वजह से ये हुआ कि ना शिकस्त की वजह से ये हुआ कि मराठा वीक हो गए, ठीक है, काफ़ी वीक हो गए, और वो फिर उठ नहीं सके। चाहे मुगल रूलर्स कितने ही वीक थे लेकिन फिर वो उठ नहीं सके मुगल रूलर्स के खिलाफ, और मुगल एम्पायर जो थी, जो मुगल एम्पायर्स थे, उनको मजीद 100 ईयर्स मिल गए सब कॉन्टिनेंट पर रूल करने के लिए, लेकिन मुगल एम्पायर्स ने फिर भी कुछ नहीं सीखा कि अपने आप को हम स्ट्रॉन्ग कर लें, हम कुछ इस तरह का सीख जाए। अच्छा, इनकी एफर्ट से ये हुआ कि शिया सुन्नी डिवाइड काफ़ी ज़्यादा नैरो डाउन हो गया, ठीक है, मुसलमान जो है एक नेशन की तरह सामने आया, मुस्लिम नेशनलिज्म राइज हुआ, जिसकी वजह से
टू नेशन थ्योरी ने अगेन जोर पकड़ा। मुस्लिम स्कॉलर्स और मिस्टिक्स जो थे वो रिफॉर्म हुए। मुस्लिम स्कॉलर्स जो है वो सीख रहे थे लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, मिस्टिक्स प्रैक्टिस कर रहे थे सीख नहीं रहे थे, इनको इलम नहीं था। तो दोनों चीज़ों को उन्होंने फिर अपने अंदर लेकर आए। पीपल जो हैं उन्होंने रियल टीचिंग ऑफ इस्लाम को फॉलो करना शुरू किया, बिदात वगैरह को छोड़ दिया, वो जो एंटी इस्लामिक बिलीव थे उन सबको छोड़ दिया। देन लोग जो हैं वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए जिस वजह से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया, राइट, और अंडरस्टैंडिंग लोगों में बहुत बड़ी, लोग एजुकेटेड हो गए और बिदत वगैरह सब कुछ खत्म कर दिया अपनी लाइफ से। पास्ट पेपर के क्वेश्चन जो है ना, ये सोशियो पोलिटिकल थाट ऑफ शाह वलीउल्लाह इज ग्रेटली इनग्रेन इन हिज रिलीजियो फिलोसफिकल थाट। अब आपको मैंने बताया सोशियो पोलिटिकल थाट्स आपने अभी सीख लिया, सोशल सर्विसेज और पोलिटिकल सर्विसेज में आपको पता लग रहा है कि वो रिलीजियस जो है ना उसके फिलोसफिकल थॉट में काफ़ी इनग्रेन है। तो आप इंशाल्लाह इसके ऊपर लिख लेंगे जवाब, राइट। तो ट्राई कीजिएगा इसको लिखने के लिए। और मेरा जो है वो फेसबुक पेज है वर्ल्ड अफेयर्स के नाम से, तो अगर आप चेक करवाना चाहें तो वहाँ पे मुझे लिख के चेक करवा दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और वीडियो को काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।